Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do data types and identifiers in C programming language. तो हमने देखा था कि किस तरह से आप C language में एक basic program बनाते हो जहाँ पे आप कुछ simple सा message like hello world print कर सकते हो, how to download VS code and how to start working in it. And now we have to do कि जो data हम use कर रहे हैं वो किस किस तरह का हो सकता है आपके प्रोग्राम में, मतलब किस किस टाइप की वैल्यूज पे आप काम कर सकते हो एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं. तो ये जो कोर्स है पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग का, दिस इज़ फ्रॉम बिगिनिंग लेवल. इससे पहले आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, कुछ भी कोडिंग नहीं करी है, इट्स परफेक्टली फाइन. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस प्ले लिस्ट एंड मास्टर सी विद मी फॉलोइंग दिस प्ले लिस्ट, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहली चीज़ है डेटा टाइप्स. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेरिएबल क्या होता है ना. सो वेरिएबल इज जिसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट. अब वेरिएबल को जनरली हम एक नाम देते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 70. सो ये जो नाम आपने दिया है इसको, जो भी ये नाम है, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड आइडेंटिफायर. व्हाट डू यू कॉल इट? आइडेंटिफायर और सिंपली वेरिएबल नेम. और ये जो है ये है आपकी वैल्यू, ठीक है, जिसको हम डेटा भी कह सकते हैं. अब ये वैल्यू होने को 70 भी हो सकती थी, ये वैल्यू होने को 72.5 भी हो सकती थी, ये वैल्यू होने को हेलो भी हो सकती थी, है ना, कुछ भी हो सकती थी. देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि इसमें क्या क्या आ सकता है. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं इसे कहा जाता है डेटा टाइप. तो आइडेंटिफायर पे अभी हम आएंगे, बट उससे पहले वी हैव टू सी दैट व्हाट ऑल टाइप ऑफ डेटा यू कैन हैव. तो चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, लेकिन वैल्यू का कुछ ना कुछ डेटा टाइप तो होगा ना. तो सी लैंग्वेज में हम ये तीन डेटा टाइप्स करेंगे, मेजर जो कैटेगरीज हैं. एक होता है प्रिमिटिव या फिर बेसिक डेटा टाइप, दूसरी कैटेगरी होती है आपकी डिराइव्ड डेटा टाइप्स की, ठीक है, और तीसरी होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की. सो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है? जो बेसिक डेटा टाइप को यूज़ करके बनता है, सो इट्स डिराइव्ड डेटा टाइप. और एज अ प्रोग्रामर मैं खुद का डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकती हूँ सी में, एंड दैट इज सेट टू बी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. सो वी हैव प्रिमिटिव, वी हैव डिराइव्ड एंड वी हैव यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? प्रिमिटिव में आई कैन हैव इंटीजर्स, आई कैन हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिन्हें हम रियल नंबर भी कहते हैं. सो फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर्स, सो इंटीजर्स हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर्स हो गए, एंड यू हैव कैरेक्टर्स. तो सी लैंग्वेज में स्पेसिफिकली सिर्फ ये तीन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मेरे पास होते हैं, ठीक है. जब आप C++ करते हो, जावा करते हो, ये आगे बढ़ते जाएंगे, बट यहाँ पे हमारे पास ये तीन ही हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर. डिराइव डेटा टाइप के अंदर आ जाता है स्ट्रिंग्स, एरेज, 2D एरेज जिनको हम मैट्रिसेस भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंटर्स. सो ये सब डिराइव डेटा टाइप के अंदर आ जाता है. यूजर डिफाइंड के अंदर आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर, यूनियन, एन्यूमरेशन. सो अभी ये टर्म्स आपको बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे जब पहुँचोगे तो ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है. सो हम हैं तो क्या गम है. सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम सब कुछ करेंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द कंसेप्ट्स वेरी क्लियर. तो एक एक कंसेप्ट को बहुत क्लियर होते हुए चलना है हमने. तो आज अभी हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी है इंटीजर. इंटीजर इज द होल नंबर, सिंपल वर्ड्स में. तो जो आपका होल नंबर है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा उसको हम कहते हैं इंटीजर. सो 78 हो गया, 92 हो गया, 163, -416, ये इंटीजर्स हैं. ये नंबर कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा, ये आप ध्यान रखोगे. तो 035 इज नॉट अलाउड, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, कि जीरो का मतलब होता है नंबर ऑक्टल है और 0x का मतलब होता है कि नंबर हेक्साडेसिमल है, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू डू इट राइट नाउ कि ऑक्टल हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, तो इसको अभी छोड़ दो, बट ये याद रखना कि जीरो से नंबर शुरू नहीं करना है आपने, ठीक है. सो आपके पास नंबर है 78, 92, 0, बीच में कहीं पे भी लगा सकते हो, यू कैन यूज़ जीरो एनीवेयर बट नॉट एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है.
सो ये आपका इंटीजर हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारे पास क्या होता है कि नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट होता है, सो फ्रैक्शन नंबर जो है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि 3.56, 2.92, -5.16, ये क्या हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो अगर आप 7 लिख रहे हो तो वो इंटीजर है, लेकिन अगर आप 7 पॉइंट लिख रहे हो या 7.0 लिख रहे हो तो वो फ्लोट है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इंटीजर एंड फ्लोट, राइट। तीसरी चीज़ है कैरेक्टर। तो मैंने आपको कैरेक्टर सेट कराया था पिछली क्लास में कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं सी के प्रोग्राम में। तो जो भी कैरेक्टर आपके कीबोर्ड पे है, जो भी प्रिंट हो सकता है वो यूज़ हो सकता है, बट जब आप उसको एज अ कैरेक्टर वैल्यू यूज़ करोगे तो मेक श्योर यू पुट इट इन सिंगल कोट्स। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली 5 लिख रहे हो तो वो इंटीजर है, लेकिन 5 सिंगल कोट्स में अगर होगा तो वो कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो एवरी कैरेक्टर मस्ट बी इनक्लोज्ड इन द सिंगल कोट्स टू स्पेसिफाई कि वो कैरेक्टर है। एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम डबल कोट्स में लिखते हैं एंड दैट इज टेकन एज अ स्ट्रिंग। तो अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो, एक से ज़्यादा लेटर्स हैं और उसको हम लिखते हैं डबल कोट्स में, तो वो स्ट्रिंग होता है, विच इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप। वी कम टू दैट लेटर। पर ये तो चलो ठीक है, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर हमारे पास टाइप हो गए, आपको समझ भी आ गया। सो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को तो हम डायरेक्टली ले लेंगे, है ना, लेकिन जो वेरिएबल है वो यूज़ करने से पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। वी हैव टू टेल कि भाई जो वेरिएबल है वो एक्चुअली में क्या स्टोर करेगा, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, उस चीज़ को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और उसका सिंटेक्स क्या है कि आपको एक कीवर्ड की हेल्प से डेटा टाइप बताना है, स्पेस देना है, एंड देन यू हैव टू गिव नेम ऑफ वेरिएबल एंड पुट अ सेमीकोलन। सो डेटा टाइप स्पेस नेम ऑफ वेरिएबल सेमीकोलन, जैसे कि मैंने लिखा इंट एन कॉमा एम। सो दैट सेज कि एन और एम दो वेरिएबल्स हैं और वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर। एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं और उसके पीछे पूरी कहानी है कि एक इंटीजर को कितनी मेमोरी मिलती है, कैसे स्टोर होता है, वो आपको मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगी। तो एक वीडियो में मैं आपको पूरा इंटीजर एक्सप्लेन करूंगी, एक में आपको पूरा फ्लोट और एक में कैरेक्टर, ठीक है। बट अभी के लिए आपको अगर इंटीजर लेना है तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीवर्ड इज इंट, स्मॉल लेटर्स में इंट लिखेंगे। फ्लोट लेना है तो स्मॉल लेटर्स में फ्लोट लिखेंगे। कैरेक्टर लेना है तो स्मॉल लेटर्स में कैर लिखेंगे। सो इंट एन कॉमा एम, सो इंट एन कॉमा एम मैंने लिखा तो इसका मतलब है कि एन में भी आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो, एम में भी आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो। सो दैट कैन बी अ फॉर्मूला, दैट कैन बी अ डायरेक्ट वैल्यू। फ्लोट लेना चाहते हो तो फ्लोट भी ले सकते हो, कैर लेना चाहते हो तो कैर भी ले सकते हो। सो सिंपल डिक्लेरेशन ऐसे होती है। सो ठीक है, कीवर्ड्स तो मैं इसमें से चूज कर लूँगी, बट वॉट अबाउट द नेम। मैंने यहाँ पे नाम दिया है एन एम, दैट इज़ फाइन, ठीक है, बट हमें मीनिंगफुल नाम देने चाहिए प्रोग्राम में। जैसे अगर आप एक सर्कल के लिए प्रोग्राम बना रहे हो तो यू शुड राइट फ्लोट रेडियस कॉमा एरिया। सो साउंड्स गुड, है ना, अच्छा लगता है कि भाई मीनिंगफुल नाम है। पर अगर मान लो आप एक शॉप के लिए बना रहे होते हैं जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लेना है और आप वहाँ पर ऐसे ले लेते तो सी आपको क्या देगी, एरर। सो दिस विल गिव यू एरर। अब आप सोचोगे इसमें क्या गलत कर दिया मैंने, है ना। तो ये जो नाम है ना बेटा, इसके भी रूल्स हैं। सो वी हैव रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। तो जो वेरिएबल्स के नाम हैं जिनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला रूल क्या है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स एंड अंडरस्कोर एक सिम्बल होता है, सिर्फ वो यूज़ हो सकते हैं, ना स्पेस ना स्पेशल सिम्बल। So only alphabets, digits and underscore. Underscore is a special sign. आप अपने email address वगैरह में भी use करते हो ना, so that can be used. No space, no special symbol. कोई space use नहीं कर सकते, कोई special symbol use नहीं कर सकते except underscore. ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि जो डिजिट है वो पीछे तो हो सकता है कहीं पे भी, जैसे नम वन मैं ले सकती हूँ, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर आप वन नम लेते हो तो वो गलत है। वी कांट स्टार्ट द नेम विद अ डिजिट, सो आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, कांट स्टार्ट विद अ डिजिट। तो इट हैज़ टू बी एन अल्फाबेट और इट कैन बी एन अंडरस्कोर, लेकिन डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है। केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल में है
तो कैपिटल अगर आपने डिक्लेयर किया है इंट ए स्मॉल में और आप बाद में कैपिटल में 10 पुट करते हो तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा मेरे को पता ही नहीं ए क्या है, क्योंकि आपने तो स्मॉल ए बताया था उसको और आप यूज़ कैपिटल ए कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। जैसा डिक्लेयर किया है वैसा ही आपको यूज़ करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो कीवर्ड्स होते हैं, हमने कल कीवर्ड की डेफिनेशन में भी यही चीज़ की थी कि कीवर्ड्स किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकते, तो वही पॉइंट यहाँ पे भी है कि कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। ठीक है, तो आप कीवर्ड्स को किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उनको वेरिएबल नेम्स के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट। जो बहुत ट्रेडिशनल सी थी ना जब हम टर्बो में काम करते थे तो एक और रूल होता था कि वेरिएबल का नाम ना 8 लेटर से लंबा नहीं होना चाहिए, पर अब के कंपाइलर्स में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जितना मर्जी लंबा नाम लो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट येस, ये रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आप सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, नो सिंबल, नो स्पेस। डिजिट पहली पोजिशन पर नहीं हो सकता, केस सेंसिटिव होता है, और जो कीवर्ड्स है वो यूज़ नहीं हो सकते। एंड ये जो भी मैं कुछ बताती हूँ बेटा, अपना एक रजिस्टर बना लो सी का, और ये साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि आप खुद लिखोगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, यू विल गेट इट इन अ बेटर वे, और आपके लिए याद रखना या कभी भी ब्रशअप करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो बनी बनाई चीज़ें हर कोई मांगता है, अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ही कमेंट में लिखो मैम इसके नोट्स मिल जाएंगे, सो मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर मैं यहाँ लिख सकती हूँ जबकि मैं ये चीज़ आज से हज़ारों बार पहले लिख चुकी हूँ, सो यू कैन ऑल्सो राइट ताकि आपको याद रहे। सो आलसी नहीं बनना है, अपने रजिस्टर लो, अपने नोट्स बनाओ, राइट डाउन देयर थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, जो आपको मेमोराइज करनी है वो आप लिखिए अपने हाथ से ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और दैट इज़ इट, आज जो हमने किया वो बेसिक इतना सा ही कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के चलते अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वेरिएबल्स कैसे लेने हैं, जैसे कि मैंने ले लिया प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में मैंने वैल्यू पुट कर दी 30,000, रेट में मैंने पुट कर दी 2.5, टी में पुट कर दिया 3, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो ये चीज़ हमारी कैलकुलेट हो गई है, लेकिन अभी तक हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करा रहे हैं, और हर बार तो प्रिंसिपल रेट टाइम सेम नहीं रहेगा ना, उसके लिए तो हम चाहते हैं कि यूज़र से वैल्यू लें, हम यूज़र से पूछें कि बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, बताओ रेट कितना है, बताओ टाइम कितना है, एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होकर रिजल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियोस विल बी देयर मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, जैसे कि अब तक आपको पता चल गया होगा, सो मंडे टू फ्राइडे 8 बजे आपकी ये वीडियो चैनल पर आती है, राइट? सो एवरी मंडे टू फ्राइडे यू आर गोइंग टू गेट वीडियोज़ फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फाइन। और जो हमारा पाइथन 100 डे प्रोग्रामिंग चैलेंज है वो 4 बजे आता है मंडे टू फ्राइडे, आप वो वाले प्रोग्राम सी में भी बना के देख सकते हो जब एक बार आपको प्रोग्राम्स बनाने आ जाएंगे, सो यू कैन मेक दो सेम प्रोग्राम्स इन सी ऑल्सो, लॉजिक मैंने उन वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर क्या होता है एंड वॉट आर द रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर। सो ये रूल्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि जब हम प्रोग्राम्स बनाएं तो आप वेरिएबल्स के मीनिंगफुल नाम लो और आपको एरर ना आए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना जितने लोगों के साथ कर सकते हो, अपने जूनियर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, इवन अपने सीनियर्स के साथ भी कर दो, भैया तुम्हारी भी प्लेसमेंट्स आने वाली है, बिना सी के प्लेसमेंट नहीं होगी, क्लियर है ना? सो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव, एंड डू लीव अ नाइस कमेंट सो दैट जिसको पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ इन बच्चों के लिए तो कंटेंट अपलोड करना ही करना है, राइट? So that is it for now. I'll see you later. Take care.